Good morning everyone, my name is Kush Pandey and you're watching a daily current affairs show based on the Hindu. Aap sabka dosto tahe dil se swagat hai. A very warm welcome to everyone guys. Before starting the show, ek four priorities hain jo ki aapke examination ke liye bhi important hain, jo ki IMF ne hume present ki hain, to unko main aapke samne yahan par dikhana chahta hun. And these are the priorities guys jo ki set ki hai by the IMF. The first priority guys of economic recovery according to IMF guys is to contain the pandemic and support the health system. Ye pehla priority hai. The second priority is to shield people and firms with large timely targeted measures. The third priority guys is to reduce stress to the financial system and avoid contagion. Matlab badhte level ko rokna. Fourth is to plan for recovery and avoid scarring of the economy ko recover karna. Ye four priorities hain jo ki di gayi hain by the IMF. So a very warm welcome to everyone guys, and in priorities par jo in Bharat ke aur duniya ke jo financial systems hain wo aapke work karne wale hain. आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वेलकम करते हैं हमारे आज के एनालिसिस को. टुडे इज 10th ऑफ अप्रैल. दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स एनालिसिस ऑफ द डे गाइस, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन. चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे आज के डिस्कशन पर. टुडे गाइस, एज यस्टरडे, कल हम बिकॉज ऑफ सर्टन डिलेज कल हम नहीं कर पाए थे. बफरिंग इशू की वजह से वी वर अनेबल टू डू द मॉर्निंग करंट अफेयर्स एट 8 AM, तो हमने 8:30 किया था. बट जैसे मैंने पहले कहा है, वट एवर विल हैपन द शो विल गो ऑन. Whatever happens, everyone should keep on preparing. इसी के साथ हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करते हैं. सो पहले हम डिस्कस करेंगे टू सरप्राइजेस को. देन वी हैव द करंट अफेयर्स रिविजन 10 questions विथ ऑप्शन डिस्कशन. देन करंट अफेयर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. देन वन लाइन करंट अफेयर्स. फिर द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस. देन फाइनेंशियल टर्म्स फ्रॉम द हिंदू. देन बर्निंग इशू. आज का बर्निंग इशू है आई गॉट. और फिर आखिरी में डिस्कस करेंगे हम स्टैटिक अवेयरनेस ऑफ द 9th of April. चलिए शुरू करते हैं और आज के लिए चलते हैं आज के हमारे न्यूज़ मेकर्स पे. आज के जो पहले न्यूज़ मेकर हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिए हुए हैं, और ये स्क्रीन पे इनका नाम भी दिया हुआ है. आपके सामने नाम है, ही इज़ बेंजामिन नेतन्याहू गाइस. एंड इन्होंने थैंक किया है इंडिया को, एंड इस वजह से दोस्तों ये आपके न्यूज़ में है, बिकॉज इंडिया ने जो एसेंशियल सप्लाईज़ हैं उनको प्रोवाइड किया है टू इसराइल. The second person who is in the news guys is IMF. IMF ने कहा है कि the growth rate of the world economies shall go negative in the coming fiscal years. उनका मानना है कि because of the COVID-19 crisis, जो आपका growth rate है, जो GDP जिसे हम कहते हैं, that will go down to negative. मतलब 1-2% छोड़ो, वो शायद -1 या -2 में भी दोस्तों आपका जो है वो आ सकता है. तो उसको भी आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना पड़ेगा. इसके बाद जो हमारा अगला न्यूज़ मेकर है, वो न्यूज़ मेकर तो नहीं कहूँगा, बट वो ही इज़ इन द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस. आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, ही इज़ द किलर ऑफ मुजीबुर रहमान, द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, दी फादर ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना. मुजीबुर रहमान के ये किलर, इनका नाम है अब्दुल माजिद. स्क्रीन पर देख सकते हैं, ही वॉज एक्स मिलिट्री कमांडर. ये उनकी करंट फोटो है. ही वॉज ऑन अ विजिट टू बांग्लादेश, एंड उनको दबोचा गया है एंड उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है, एंड दैट्स रीजन वाई ही इज़ इन द न्यूज़. आई होप एवरी वन हैज़ अंडरस्टूड. प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. यार बफरिंग कहाँ से हो रहा है बार बार, बफरिंग. Just give one second guys, just give one second.
Okay, is the buffering fine right now, guys? क्या buffering fine है? Just give me one second. Is the buffering fine right now? Is the buffering fine? Is the buffering fine right now, guys? Okay, guys, come back. Let's come back to session, guys. Let's come back. Okay. चलिए शुरू करते हैं. So आगे बढ़ते हैं दोस्तों and आते हैं हमारे आज के हेलो फरमाइश पे. दोस्तों नाउ वी आर डिस्कसिंग हेलो फरमाइश. आज एक हमारे पास रिक्वेस्ट आया फ्रॉम रवि प्रताप सिंह एंड द रिक्वेस्ट वॉज प्लीज़ कन्फर्म वाई देर इज़ अ डिफरेंस इन द GDP ग्रोथ ऑफ कंट्री स्टेटेड बाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का अलग है, गोल्डमन सैक्स का अलग है. तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको देर आर थ्री मेथड्स ऑन विच द एंटायर थिंग हैपन्स. द फर्स्ट मेथड इज़ कॉल्ड एज द इनकम मेथड, द सेकेंड मेथड इज़ द एक्सपेंडिचर मेथड एंड द थर्ड मेथड इज़ द आउटकम मेथड. ऑल राइट, सो एनी मेथड पर ये बेस करते हैं और ये अपने हिसाब से ये फिगर करते हैं. सो क्योंकि मेथड डिफरेंट होते हैं इस वजह से हम GDP को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं. गाइज, आई वॉन्ट एवरी वन टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. फटाफट वीडियो को जरा शेयर कर दो दोस्तों के साथ ताकि वीडियो मैक्सिमम लोगों तक आपका पहुँच सके. एवरी वन फटाफट शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. चलिए अब आते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स रिवीजन पर. आई वॉन्ट एवरी वन टू गिव मी अ बिग थम्स अप. यस सर, 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 ताकि हम वीडियो को शुरू कर पाएँ, वीडियो को हम स्टार्ट कर पाएँ. एवरी वन गाइज एंड गाइज एवरी वन फटाफट वीडियो को वापस शेयर कर दो ताकि हम आज 1000 लाइव व्यूअर्स को वापस ला पाएँ. एवरी वन गाइज फटाफट शेयर करो. थोड़ा बहुत बफरिंग का इशू होता है बट इट्स ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल राइट, इट्स परफेक्टली फाइन. चलिए आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा आपके सामने. The seventh economic census has been shifted by 6 months. When shall its data collection start? सातवीं आर्थिक जनगणना को 6 महीने के लिए स्थानांतरित किया गया है. इसका डेटा संग्रह कब शुरू किया जाएगा? And the answer is, it is option D, that is 30th of September. 30th of September को इसका जो डेटा कलेक्शन है उसको स्टार्ट किया जाएगा. अगर हम डिस्कस करें बाकी ऑप्शंस को, वी डिस्कस द अदर ऑप्शंस गाइस, बिकॉज अदर ऑप्शंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये रहा आपके सामने. 27 सितंबर को वी हैव द वर्ल्ड टूरिज्म डे एंड द वर्ल्ड मैरिटाइम डे. ऑन 19th अगस्त वी हैव द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे. ऑन 30th सितंबर वी हैव द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे एंड 23rd सितंबर वी हैव द नेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस. इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिकॉज ये सारे डेज के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर जो कि ये रहा. Which of the following institutes has started a genome sequencing of COVID-19 virus in India? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में COVID-19 वायरस की जीनोम अनुक्रमण शुरू किया है? आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं एंड द आंसर हियर इज, इट इज ऑप्शन ई, दैट इज ए एंड बी, CSIR, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी. ये आंसर यहाँ पर है. और ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ये भी है. इन दोनों ने मिलकर जीनोम सीक्वेंसिंग को स्टार्ट किया है. जिनको नहीं पता है व्हाट इज जीनोम सीक्वेंसिंग, व्हेन वी सीक्वेंस द सेट ऑफ जीनोम्स, द सेट ऑफ DNAs विद अदर DNAs ताकि हम कॉमन कॉज निकाल पाएँ. व्हेन वी टेक आउट द कॉज ऑफ COVID-19 बाय मैचिंग द DNAs, दैट इज जीनोम सीक्वेंसिंग इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. जो लोगों को और डिटेल में पढ़ना है, कल मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था. ऑल राइट, तो कल एक बार देख लीजिएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी आपका जो है, इट इज़ नॉट इन बेंगलुरु, इट इज़ इन भोपाल. एंड दिस पर्टिकुलर 3B बायोकॉन इज़ द सेकेंड लैब आफ्टर द माई लैब पुणे टू ऑफर सेलिंग ऑफ COVID-19 टेस्टिंग किट्स. समझ में सबको आ रहा है? प्लीज़ आंसर कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर. पारितोष सिंह जी, आई गॉट पे मैंने आज डिस्कशन करना है, मैं डिस्कशन आपका एंड में करूँगा. ऑल राइट, चलिए एवरी वन प्लीज गाइज, आई वॉन्ट योर सपोर्ट बिकॉज थोड़ा बफरिंग इशू हुआ था, कई लोग भाग गए थे. तो फटाफट वीडियो को शेयर करो ताकि वापस वो लोग आ जाएं. चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. मधुबन इज अ वराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. वेल, मधुबन इज अ वराइटी ऑफ कैरेट. बेसिकली इट्स अ बायो फोर्टिफाइड वराइटी. रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज जूनागढ़ में इसका जो एक बायो फोर्टिफाइड वराइटी है उसको बनाया गया है. इस वजह से ये आपका दोस्तों न्यूज़ में है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप. निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला स्वचालित COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज तेलंगाना. चलिए डिस्कस कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस को. आंध्र न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द निगाह ऐप फॉर इलेक्शंस. तेलंगाना इज इन न्यूज़ फॉर वी सेफ टार विच हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर डिसइनफेक्टिंग द पुलिस वालाज, द हेल्थ स्टाफ इन हैदराबाद.
Karnataka is in use for the doorstep delivery scheme of essential services, that is the Jan Sevaka scheme. Himachal is in use for Fagli festival. It's also in use for getting $80 million from World Bank and the Government of India. Jharkhand is in use for the Pragyam app for e-passes, and BYJU'S for again doorstep delivery of groceries. आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर. Which of the following has been designated as a national academic depository? निम्न में से किसे राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी के रूप में नामित किया गया है? And the answer is, it is option B, that is DigiLocker. DigiLocker is an online portal. It's an online wallet. It's an app where you can submit or store your online academic data. It was launched in 2015 and इसको ही अब NAD बनाया गया है. इससे पहले जो NADs थे उनके नाम थे NSDL Database Management Limited and CDSL Ventures Limited. ये पहले थे, इनको 3 साल के लिए दिया गया था, पर अब आपका DigiLocker को दिया गया है. My question to everyone is, which Indian organization or which Indian department has developed Arogya Setu? कौन मेरे को बताएगा कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने बनाया है आपका आरोग्य सेतु को? एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ द NIC, दैट इज़ द नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर, उसने इसको बनाया है. सिमिलरली गाइस, इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस नाउ द भीम UPI ऐप इज अवेलेबल? कितनी भाषाओं में जो भीम ऐप है वो अभी आपका अवेलेबल है? एंड द आंसर इज, इट इज़ इन 16 languages, 16 भाषाओं में अब आपका अवेलेबल है. चाहे वो कोंकणी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, उनमें अब आपका भीम ऐप जो है वो अवेलेबल है. एब्सोल्युटली करेक्ट, 16 आंसर है, अब 11 नहीं आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. RBI हैज़ इंक्रीज्ड द ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ लोन्स टू स्टेट यूनियन टेरिटरी बाय हाउ मेनी डेज? RBI ने कितने दिनों के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश को ऋण की ओवरड्राफ्ट सीमा को बढ़ा दिया है? एंड द आंसर इज, anyone guys, anyone. कई लोग आंसर यहां पर कर रहे हैं 21 days, बट द आंसर विल बी, सबके सब फेल हैं. द आंसर इज 7 days. सवाल पढ़िएगा, द क्वेश्चन वॉज, मतलब क्या बताऊं मैं, ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कितने दिनों से किया गया है? अर्लियर इट वॉज 14 days, नाउ इट इज 21 days, सो 7 days का आपका इंक्रीज हुआ. यही होता है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सुबह सुबह आया करो, तो यार थोड़ा बहुत नहा धो के आया करो, बिना नहाए मत आया करो, बिकॉज गाइज आई एम बिग इन टू हाइजीन. ऑल राइट, सो प्लीज एवरी वन, थोड़ा आँख पाख धो के आया करो, है ना? यस, तो 7 days इज द आंसर. यस. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये रहा आपके सामने. Which state police has launched Raksha Surf to track quarantined people through Google Maps? निम्न में से किस राज्य की पुलिस ने Google मानचित्र के माध्यम से संगरोधित लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व लॉन्च किया है? एंड द आंसर इज, इट इज़ द पुलिस ऑफ छत्तीसगढ़. सिमिलरली पंजाब हरियाणा में भी, चंडीगढ़ पुलिस जो है उसने भी ऐसा ही एक ऐप लॉन्च किया है. तमिलनाडु की बात करें, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इन टर्म्स ऑफ द टोटल कवरेज ऑफ माइक्रो इरीगेशन, तमिलनाडु इज़ द नंबर 1 state. सिमिलरली कर्नाटका की बात करेंगे, इट इज़ द नंबर 2nd state. विच ऑफ द फॉलोइंग IIT, और ये मैंने कल गलती किया था तो मैं आपसे कान पकड़ता हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, सो इसलिए मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ. द क्वेश्चन येस्टरडे वॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज़ डेवलप्ड वेंटिलेटर नेम जीवन लाइट? निम्न में से किसने जीवन लाइट को डेवलप किया था? एंड द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ IIT हैदराबाद. कल मैंने डिस्कस किया था इसको IIT बॉम्बे, ऐसा नहीं है, IIT हैदराबाद आंसर होगा. प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, मैं आपका ट्रस्ट इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करूँगा. एवरीवन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप एंड क्विकली गाइस शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हमें वीडियो को आज 500 क्रॉस कराना है. हमारा टारगेट है इस महीने का टू रीच 1000+ व्यूअर्स. आगे बढ़ते हैं. When is the World Homeopathy Day observed? It is the day when Sam Hahnemann का birthday observe किया जाता है. He is regarded as the father of homeopathy. And the answer is, it is option D, that is the 10th of April. 10 April को आपका सही जवाब है. अगर हम बाकी options की बात करें, 4th April को वो we have International Day of Mind Awareness, 5th April को we have National Maritime Day, 10th April को we have World Homeopathy Day, and 18th April को we have the World Heritage Day. आगे बढ़ते हैं. गाइज आई वॉन्ट एवरी वन टू नाउ गिव मी 2 love signs, एंड इन द मीन टाइम गाइज मैं थोड़ा आज कहूँगा, बिकॉज आज बफरिंग हुआ, इसलिए मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि फटाफट शेयर कर दो यार एवरी वन. सो थोड़ा आज मत मेरे को परेशान करना. हाँ, सो एवरी वन गिव मी अ 2 heart signs गाइज, ताकि हम आज के डिस्कशन को शुरू कर पाएँ. एंड ये रहा आपके सामने हमारा पहला डिस्कशन. द फर्स्ट हेडलाइन गाइज विल फोकस ऑन द गवर्नमेंट.
government has provided 15,000 crore rupees to fight against the COVID-19 virus. This is the second edition of this particular funding. Out of the 15,000 crore, 7,774 crore will be given to the COVID-19 emergency fund. Kitna paisa? Please comment kar dijiyega. 7774. Everyone guys, kitna paisa? 7774. Now this amount will be used in three phases. Teen hisso mein isko use kiya jayega. The first phase will be January 2020 to June 2020. The second phase will be July 2020 to March 2021. And the third phase will be from April 2021 to March 2024. Clear ho gaya aapko? There will be two questions. What is the total in funding? What is the total package? Answer kya hoga uska? 15,000 crore. Half of it will be given to the COVID-19 Emergency Response Fund. Alright? Chaliye. Aage badhte hain. I hope katra katra aapko clear ho gaya hoga. Kaun mere ko batayega ye image hame kya bata rahi hai? Can someone tell me what is this image? Absolutely correct. It is the image of the One Belt, One Road initiative. Matlab ye to bhola ko bhi aata hoga. Aap to bhola nahi ho, aap to bhola se better ho. Yes, One Belt, One Road initiative is the entire image. And Pakistan ne kaha hai ki it will include new sectors into the China-Pakistan Economic Corridor, which is a corridor being built under the One Belt, One Road Initiative. उसने ये कहा है यहाँ पर कि कुछ नए sectors को हम CPEC में add करेंगे. तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों में जगह के छल लूँ. Please जरा comment कर दो इसका answer. CPEC full form क्या है? And ये exam में आता है. China-Pakistan Economic Corridor. Everyone please comment. Everyone please comment. China Pakistan Economic Corridor. So new sectors will be added to this particular China Pakistan Economic Corridor. Un sectors ke naam kya hai? Agriculture or tourism. Alright. CPEC ki baat kare, to it is the flagship or the main project of the One Belt, One Road. Aur ye jo CPEC aapka hai, ye shuru hua hai in 2015. Samaj mein aa gaya? Katra katra clear ho gaya. Do nae sectors hain. CPEC mein add kiye jayenge, which is a part of One Belt, One Road. Screen pe aap dekh sakte hain, hum is area ki baat kar rahe hain. Dikh raha hai aapko, everyone, is it visible? We are focusing on this area guys, jo ki start hoga from the Gwadar port of Pakistan and it will end in the Kashgar port area of China, which is in the Hubei or the Wuhan province. Samajh mein aapko aaya? To ye jo inka ek sapna hai, ye corridor banane ka, iski hum baat kar rahe hain. I hope सबको clear हो गया होगा. Absolutely correct. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली headline पर. Guys, आपके सामने एक ऐसा device है, ये कुछ ऐसा आपका बना हुआ है ना? Guys, basically it is a handheld or a portable IR temperature meter. All right. ये जो आपके सामने image दी हुई है, this is basically an image of a digital infrared thermometer. Alright, so the CSIR, National Chemical Laboratory, Pune, it will start manufacturing thousands of these thermometers for helping containing the coronavirus infection. Isse behat asani se hame check kar paase hain ki temperature kitna hai aur wo kitna important hai is coronavirus ke liye. To iske liye NCL ne allow kiya hai. NCL along with BL, they have tied together, they have Bharat Electronics Limited Pune, and they will manufacture digital IR thermometers. Agar hum NCL ki baat karein, NCL was set up in 1950 in Pune, it is in Maharashtra, and CSIR, that is the Council of Scientific and Research, it was set up in 1942 by Mr. Shekhar, and the current Director General guys is Mr. Shekhar C. Mande. Main sawal aap se poochunga, NCL has partnered with which organization to manufacture digital IR? Answer kya hoga? Fatafat likhiyega. Yes, the answer will be Bharat Electronics Limited. ठीक है, ये हेडलाइन ली गई है फ्रॉम द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली खबर आ रही है फॉर इंडियन रेलवेज. दिस हेडलाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन रेलवेज ने कहा है इट हैज लॉन्च्ड टाइम टेबल पार्सल ट्रेन्स टू बूस्ट सप्लाई. अब सवाल यहाँ पर आएगा कि सर व्हाट इज अ टाइम टेबल पार्सल ट्रेन. अ टाइम टेबल पार्सल ट्रेन इज अ स्पेशल ट्रेन विच हैज बीन बुक्ड बाय a particular company for transporting its parcel. मैं रिपीट फिर से करता हूँ. एक ये स्पेशल ट्रेन होगी जिसको प्लान किया जाएगा
according to the demand of customers. मतलब for example, भोला company है, भोला agro, या फिर भोला companies है, 15 companies है, उन्होंने कहा कि we want a certain item, we want tons of item to Bangalore by this day. तो उसके लिए railways एक special train चलाएगा, अगर उसका जो consignment, if the consignment is very huge, that particular train, parcel train, will be called as a timetabled parcel train. समझ में आपको आया? This train service will be run in locations like Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Mumbai, Kolkata. Overall, there will be 90 routes and 109 trains will be under the timetabled parcel train services. Guys, I want everyone to answer quickly. Dil se batana, agar samajh mein aa gaya hai, please give me a thumbs up. So, ye trains aisi normal trains nahi hai. Ye ek khas maksad ke liye, ek particular item ko deliver karne ke liye hi aapki chalengi. Buffering नहीं है ब्रह्मा, please आप refresh करो, there is no buffering at all right, please refresh the video, all right, clear हो गया आपको, all right, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले headline पे चलते हैं, जो कि ये रहा आपके सामने. Guys, how many people are watching right now? We want to reach 500 today. हमारा target आज का है 1000 live viewers का. फटाफट share करना start करो. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली खबर दोस्तों हमारी जो है, that is coming from the hospitals. Hospitals का मानना है कि there has to be a three-tier classification of hospitals for diverse levels of infection. Three-tier levels होने चाहिए classification की, जिससे कि हम ये बता पाएं infection कौन से level पे है. Screen पे दोस्त, guys फटाफट share करो, we want to reach 500. फटाफट everyone share the video, everyone. Yes. Ministry of Health and Family Welfare ने कहा है कि there are three categories. कितनी categories? Three categories. The first category is called as COVID care center. The second category is dedicated COVID care health center. And third category is dedicated COVID hospital. In the first type, patients suspected of corona or patients with mild or very mild symptoms, unko rakha jayega. Second, patients with moderate symptoms of corona will be admitted here. And third, serious patients infected with coronavirus will be kept here. So, teen levels pe inko rakha jayega. Baki bacche ko pata hai, who is the Minister of Health? Answer is Harshvardhan sahab. Bacche ko pata hai, what is the constituency? The answer is, it is Chandni Chowk. I am pretty certain aap mein se kaiyon ko pata nahi hoga. Par bacche kehne ka matlab ye hai, ki you should be very serious. At least you should know who the minister is and what his portfolio is. Samajh mein aa gaya? Everyone, please give me a thumbs up agar aapko ye clear ho gaya hai to. आगे बढ़ते हैं. Larsen & Toubro has been given a big contract by the Indian Army, and this contract has been given by the Indian Army for setting up IT services for the Indian Army. IT services के लिए Indian Army को ने दिया है एक बड़ा contract to Larsen & Toubro. Larsen & Toubro guys is set up in Mumbai. The current head is Mr. N.S. Subramanian, and Indian Army is set up in New Delhi, and the current general is General Manoj Mukund Naravane. So, in dono ne agreement kiya hai, and L&T ko diya gaya hai a big consignment for setting up of the IT systems for the Indian Army. Bahut hi simple hai, isme kuch aur aapko karne ki zarurat nahi hai. Aage badhte hain. On 8th of April, we celebrate the International Romani Day. Okay. First of all guys, Romani ka matlab ye nahi hota ki hum Rome ki baat kar rahe hain. It does not mean we are talking about Romania. Romani basically is a ethnic Indian group jo ki India mein based aapka hai, unka khud ki bhasha hai, khud ka culture hai, and for that group we are setting up we are observing a International Romani Day jo ki 8 April ko hum observe karte hain, and the purpose is to raise awareness about the people of Romani jo log hai unke liye isko hum karte hain. 1990 se aapka jo ye ek aapka divas hai isko manaya jata hai. Samajh mein aapko aa gaya? Comment kar dijiyega, yes sir, yes sir, yes sir. Day kaun sa hai, please comment kariyega. 8 April. Jyoti ji, refresh kari video, mere taraf se buffering ka issue nahi hai. Buffering issue initially tha, ab buffering ka issue aapka nahi hai. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हेडलाइन पर. गाइस, कुड समवन टेल मी, अगर उनको दिख रहा है तो दिख रहे, अच्छी बात है, बिकॉज हम बात करेंगे इनकी. ये कौन है भाई साहब? एनीवन, हु इज ही? वेल गाइस, ही इज पेमा खांडू जी. ये कौन है ये दोस्तों? ये पेमा खांडू जी हैं, और द रीज़न वाई ये न्यूज़ में है बिकॉज
बिकॉज अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक नया कैंपेन. दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन गाइस, न्यू ऐप का. इसका नाम है आपका कोविड केयर. क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका कोविड केयर. कोविड केयर हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर दोज पीपल हु आर क्वारंटाइन और हु हैव नो सिम्टम्स बट आर कॉन्ट्रैक्टेड या फिर कोविड 19 पेशेंट्स. ऐसे लोग जो घर पे अपने बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जिनमें सिम्टम्स तो नहीं है पर उनमें कोविड 19 है, और ऐसे लोग जिनमें कोविड 19 के सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं, उनके लिए कोविड केयर ऐप को दोस्तों जो है वो लॉन्च किया गया है. सवाल यहाँ पर बनेगा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज सेट अप द कोविड केयर एंड ऐप, एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन गाइस विल बी आपका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा आपका पेमा खांडू. चलिए जरा हम आपको डिस्कस कर लेते हैं इसको. ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर अरुणाचल के बारे में. द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ईटानगर. द करंट गवर्नर इज मिस्टर बी डी मिश्रा. द चीफ मिनिस्टर गाइज इज मिस्टर पेमा खांडू. द मेजर फेस्टिवल्स हियर गाइज आर लोसार, मोपिन एंड सोलंग. द मेजर आर्ट फॉर्म्स हियर गाइज आर तोंगुका. अरे हल्का सा बफरिंग है, थोड़ा घर पे है, थोड़ा बफरिंग होगा हल्का हल्का. प्लीज़ गाइज अगर मेरी आपको इज माई वीडियो विजिबल, इज माई ऑडियो ऑडिबल. अगर मेरी ऑडियो आपको ऑडिबल है और वीडियो आपको दिख रहा है 90% सही, सो प्लीज़ फोकस द वीडियो एंड गाइज कीप ऑन शेयरिंग. टुडे वी हैव टू रीच 500 व्यूअर्स. ओके चलिए बात करते हैं मेजर आर्ट फॉर्म्स की. टांका पेंटिंग, म्यूजिक में जा जिन जा. जी आई टैक्स में वी हैव अरुणाचल वाक्रो ऑरेंज. इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स में वी हैव मालिनी, बिस्मक नगर, मलिंथन एंड गोल्डन पगोडा. रामसार साइट्स में वी हैव नो रामसार साइट्स. नेशनल पार्क्स में वी हैव नमदफा एंड मॉलिंग. इन टाइगर रिजर्व वी हैव नमदफा, पाकी एंड कमला. एंड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वी हैव दी नमदफा वर्ल्ड हेरिटेज साइट. Everyone, please give me a thumbs up. Please give me a thumbs up, guys. I want your energy. Yes. Guys, fatafat share karo wapas. Everyone. Yes. Okay. Thank you so much, guys. Thank you so much. Fatafat. Guys, 500 to cross karna hi karna hai. Because aaj parshan kar dunga aapko. Because buffering ho rahi hai. Par hume himmat nahi aarni hai. Yes. Chaliye, aage badhte hain. Ab aate hain humare aaj ke one-liners pe. Ye raha aapke saamne humare one-liners. A Forbes billionaire list, the richest in 2020, इस लिस्ट में नंबर वन पे आए हैं आपके जेफ बेजोस. गैनरिक मेम्ब्रेन से कंपनी है, इस कंपनी ने डेवलप किया है एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनरेटर इक्विपमेंट. रियल मैड्रिड और एथलेटिको बार्सिलोना के फॉर्मर कोच थे, उनका नाम था रेडोमिर ऑन्टिक, ही हैज़ पास्ट अवे. इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट ब्राम काचिट बोटला, ही हैज़ पास्ट अवे. DRDO, that is Defense Research Development Organization, and Wipro. Guys, 400 काम नहीं चलेगा, फटाफट शेयर करो. 500 तो क्रॉस करना ही करना है हमें आज, बिकॉज हमारा इस महीने का टारगेट है टू रीच 1000 लाइव व्यूअर्स. ऑल राइट, परेशान हो पर वी हैव टू रीच इट. ओके, DRDO Wipro 3D ने लॉन्च किया है फुल फेस शील्ड. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है द एक्विजिशन ऑफ ग्रांदी मल्लिकार्जुना राव कमलांगा एनर्जी लिमिटेड जिंदल साउथ वेस्ट एनर्जी लिमिटेड. सेंटर ने डिपॉजिट किए हैं 1000 रुपीज, ये डिपॉजिट किए जाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट्स में. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड 19 टेस्टिंग किट्स को फ्री कर दो, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने कहा है कि भाई स्वच्छता ऐप जो है उसमें 9 फीचर्स को ऐड किया गया है और उसको अपडेट यहाँ पर कर दिया गया है. ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे आज के द हिंदू एनालिसिस पर. The first headline in the Hindu analysis is that Odisha government has become the first state to extend the lockdown till April 30. Sawal banega bahut hi simple, that which is the state which has become the first state to extend lockdown to April 30, and the answer is Odisha. Agar hum Odisha ki dosto baat kare, Odisha was in news. 3 towns ko lockdown kiya gaya tha, the capital Bhubaneswar, Cuttack and Bhadrak town, number 1. Number 2, they have launched Mo Pratibha scheme, that is in Hindi called as My Talent scheme, in tie-up with UNICEF. Odisha ne ye bhi kaha tha ki unhone launch kiya hai Mo Jeevan scheme. The Mo Jeevan scheme is for the COVID-19 patients. Is wajah se Odisha aapka news mein bana hua tha. Similarly, unhone ek helpline number hai 14410. Well done, Abhay Srivastav. Please everyone give a big thumbs up to Abhay. 14410 ko bhi unhone dosto jo hai wo launch kiya tha. Absolutely correct. Aage badhte hain, agli headline mein chalte hain jo ki ye raha. ये डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं. द कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड हैज़ बीन गिवन 15,000 करोड़, आउट ऑफ विच 7,774 करोड़ रुपीज़ विल बी सैंक्शन ऑफ इन 3 फेजेस. इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. आगे बढ़ते हैं. केजरीवाल, द दिल्ली गवर्नमेंट प्राइम चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च ऑपरेशन शील्ड, जहाँ पर शील्ड का एक फुल फॉर्म होता है. शील्ड बेसिकली इज एन एक्रोनिम गाइस, जहाँ पर एस का मतलब होता है सीलिंग,
एच का मतलब होता है होम, एल का मतलब आई का मतलब होता है आइसोलेशन, ई का एसेंशियल सर्विसेज, एल का लोकल सैनिटाइजेशन, डी का डोर टू डोर चेकिंग. सो शील्ड कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द केजरीवाल गवर्नमेंट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सीलिंग, आइडेंटिफाइंग, क्वारंटाइनिंग, कंटेनिंग पीपल, डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स, डोर टू डोर चेकिंग पीपल इन द कंटेमिनेशन जोन्स. ऐसे एरियाज जहाँ पर हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पर देर आर मोर दैन 6 केसेज, वहाँ पर इस कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा दिल्ली हैज़ बिकम द थर्ड यूनियन टेरेटरी और स्टेट टू लॉन्च टू मेक कंपल्सरी वियरिंग ऑफ मास्क. द फर्स्ट स्टेट वॉज उड़ीसा, द सेकेंड स्टेट वॉज उत्तर प्रदेश, द थर्ड स्टेट गाइज वॉज दिल्ली. समझ में आ गया. इसके अलावा दोस्तों उन्होंने 5T स्कीम को भी लॉन्च किया है. इसको मैंने कल डिस्कस किया था. हाउ मेनी पीपल आर रेगुलर फॉलोअर्स जिनको पता है 5T के बारे में, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं तो ही फ़ायदा होगा बच्चा, वरना आपको फ़ायदा नहीं होगा. देर विल बी नो बेनिफिट इफ़ यू आर नॉट अ रेगुलर फॉलोअर. दिस हेडलाइन गाइज हैज़ बीन टेकन ऑन पेज नंबर 1. एंड गाइज इफ़ यू लव द सेशन, आज मैं 10वीं बार बोल रहा हूँ बिकॉज आई नो आज बफरिंग हुआ है, फटाफट शेयर कर दो वीडियो को बिकॉज आई वॉन्ट दिस शो. आई गिव 5 hours ऑफ माई लाइफ टू दिस शो टू रीच 1000 लाइव व्यूअर्स. फटाफट शेयर कर दो एवरीवन. आगे बढ़ते हैं. द दिल्ली गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लॉन्च 2 apps. दिल्ली गवर्नमेंट ने 2 apps को लॉन्च किया है, जिनमें पहली ऐप का नाम है द होम क्वारंटाइन ऐप एंड द नेम ऑफ द सेकेंड ऐप गाइज इज द कंटेनमेंट सर्वे ऐप. पहले ऐप से दे विल हैव अ रियल टाइम लोकेशन ऑफ द क्वारंटाइन पीपल, और सेकेंड ऐप से वो सर्वे कर पाएंगे थ्रू द हेल्प ऑफ ड्रोन्स कि जो एरियाज हैं जहाँ पर कंटेनमेंट करना है उनमें लोग निकल तो नहीं रहे हैं, उनमें लोग भाग तो नहीं रहे हैं. उसके लिए इस पर्टिकुलर ऐप को लॉन्च किया गया है. तो मैं रिपीट फिर से आप क्लियर कर दूँ दोस्तों, 2 apps have been launched by the government. The first app is called as the home quarantine app. The second app has been called as the containment survey app. The first app ka concept hai to monitor the people to have a real time location, and second app ka feature hai to survey. Samajh mein aa gaya, katra katra clear ho gaya. Everyone please give me a thumbs up agar aapko clear ho gaya hai. Sawal banega, what are the name of the apps launched by the Delhi government फॉर COVID-19? सवाल पहला. सेकेंड सवाल बनेगा, शौर्या जी बफरिंग नहीं हो रहा है, हल्का सा अगर हो रहा होगा बार बार मत लिख दो, आप बार बार आप शेयर करते रहो. सेकेंड क्या होगा, विच यूनियन टेरेटरी और स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एन ऐप कॉल्ड एज होम क्वारंटाइन एंड कंटेनमेंट सर्वे. द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन विल बी इट इज द दिल्ली गवर्नमेंट. येस, एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज, थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं जो कि ये रही आपके सामने. गाइज केरला ने एक कंसेप्ट को लॉन्च किया है एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज दी प्लाज्मा थेरेपी. उस कंसेप्ट का, उस थेरेपी का एग्जैक्ट नाम है दी कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. आई वॉन्ट एवरी वन, बच्चा बच्ची मेरा जिगर का छल्ला, एवरी वन प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ द थेरेपी. क्या है थेरेपी का नाम? कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. एवरी वन गाइज, आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट दिस बिकॉज देखो मुझे पता है कई लोग को नींद आ रही होगी, ऐसे कर रहे होंगे. तो एवरी वन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन फटाफट, द नेम ऑफ थेरेपी इज कॉन्वालेसेंट थेरेपी. ओके, अब ये थेरेपी करती क्या है जरा मैं बताता हूँ आपको. ये रही आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल ये भोला है और ये COVID-19 के पेशेंट हैं. माफ करना भोला मेरे भाई, आपको ऐसा ना हो. सो नाउ भोला हैज COVID-19 एंड भोला को रिकवरी हो गई. भोला क्या हो गई? रिकवरी हो गई. रिकवरी पॉसिबल तब होती है जब बॉडी डेवलप करती है एंटीबॉडीज को. किसको डेवलप करती है कमेंट करिएगा, एंटीबॉडीज को. सो जस्ट वो कब? अरे कल्पना जी शर्म करो यार, मेरा सेशन आता है 8 बजे, मैं सुबह उठ के नहा धो के बैठता हूँ आपके सामने मस्त पानी वानी पी के, आप टाइम पे आया करो. यस, सो व्हेन अ COVID-19 पेशेंट रिकवर्स देन इट डेवलप्स एंटीबॉडीज इन इट्स ब्लड. क्या डेवलप होता है? एंटीबॉडीज. दोज एंटीबॉडीज को, उन एंटीबॉडीज के सैंपल्स को हम एक ब्लड पर्टिकुलर इंजेक्शन के जरिए विड्रॉ कर सकते हैं, उससे हम बना सकते हैं एक सेरम एंड आफ्टर अप्लाइंग द सेरम वी कैन क्योर द पर्टिकुलर पर्सन. ऐसा कहा गया है, ऐसा कहा गया है कि आफ्टर अ पर्सन इज रिकवर्ड वी कैन टेक आउट द सैंपल, वी कैन टेक आउट द ब्लड, वी कैन फॉर्म अ सेरम एंड आफ्टर फॉर्मिंग द सेरम वी कैन अप्लाई इट टू अ COVID-19 पेशेंट. उससे वो पेशेंट की रिकवरी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर सजेस्ट किया गया है. कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को 50% समझ में आया, प्लीज गिव मी अ थम्स अप गाइस एवरीवन, फटाफट.
So the Kerala government has said it has been given approval by the ICMR, the Indian Council of Medical Research, to try the plasma therapy. इसको try करने के लिए यहाँ पर उन्होंने दोस्तों जो है वो कहा है. All right, चलिए आगे बढ़ते हैं. Iraq has a third prime minister, guys. पहले मोहम्मद अलावी थे, फिर आपके कोई अब्दुल बने. Now we have a third designated prime minister of Iraq, जिनका नाम है दोस्तों, आपके सामने नाम दिया हुआ है, उनका नाम दोस्तों दिया हुआ है, उनका नाम है his name is Mr. Kandhemi. इनका नाम दोस्तों जो है, his name is Mr. Kandhemi. He is a former commander, he is a former spy chief, and he has been nominated as the new prime minister. And इनकी जगह इससे पहले आपके अदनान जुर्फी थे, who was appointed, who was announced. उससे पहले मोहम्मद अलावी थे. एंड नाउ गाइस वी हैव मिस्टर कधेमी, जो कि इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं. समझ में आ गया? अब बहुत ही दो लल्लू क्वेश्चन आपके लिए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द करेंसी एंड व्हाट इज़ द कैपिटल. इसका आंसर दीजिएगा. यस, इट इज़ मिस्टर मुस्तफ़ा कधेमी. रिस्पेक्ट दे दो यार कम से कम. यस, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं हमारे आज के फाइनेंशियल टर्म्स पर, जो कि आपके सामने दोस्तों ये रहे. पहला टर्म आपका जो है वो मेंशन किया गया है इन्फ्लेशन के हेडलाइन में. इन्फ्लेशन में ड्रॉप टू 2.54%. यहाँ पर CPI की बात करेंगे. CPI का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इट इज़ द मेजर ऑफ द इंक्रीज और द डिक्रीज इन द प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज बाय कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स द्वारा जो प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है उनमें जो प्राइस चेंज है उसको आपका CPI देखता है. सिमिलरली प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनमें जो प्राइस चेंज है दैट इज शोन इन WPI. अगेन रिपीट गाइस, CPI इज अ इंडेक्स which measures the price change in the goods and services used by the consumers. मैंने कल डिस्कस किया था कि अगर भोला जी इंजेक्शन लेके जाएं अपने कुत्ते के लिए, if भोला purchases injection for his dog, then भोला is a customer and his dog Tommy is the consumer. पर अगर उनका कुत्ता पागल हो गया, if his dog is mad and if the dog bites भोला, then भोला जिसने purchase किया है खुद लगाना पड़ेगा. So भोला is the customer, he is also the consumer. So यहाँ पर हम consumer price index की बात कर रहे हैं. Then equity stage smart rally on fiscal stimulus hopes. ये headline में जो important keyword था that was FPI. FPI का full form है foreign portfolio index. जब एक foreign investor एक से अधिक sectors में India में invest करता है, specially वो invest करता है stock market में, उस investor को हम कहते हैं foreign portfolio investor. I'll again repeat guys. When any foreign investor invest in multiple sectors, especially in the stock market, that investor guys is called as the foreign portfolio investor. All right, समझ में आपको आ गया? Everyone please give me a love sign अगर आपको समझ में आ गया है तो. आगे बढ़ते हैं. जो बात दोस्तों अगला टर्म है दैट इज IGOT. All right guys, IGOT basically is a online training platform that has been launched by the Department of Personnel and Training. इस particular platform के ज़रिए it will train doctors, nurses, paramedics, hygiene workers, technicians and others. ये एक तरह से ये help करेगा या train करेगा अलग अलग तरह के लोगों को, जिससे कि COVID-19 के खिलाफ they can be better prepared. All right. This particular training platform has been set up at the Diksha platform, which is an online learning platform of the government. Diksha platform is a platform launched by the Ministry of HRD, and इस particular platform के ज़रिए teachers बेहद आसानी से online teach कर सकते हैं. इस particular platform का tagline है National Digital Infrastructures for our teacher. ये इसका दोस्तों जो है वो tagline है. Guys, we are just 12 left for 50. आज हमें 500 cross करना है. फटाफट video को share करो. मुझे पता है जो buffering हुआ है, but आपके help के ज़रिए हम video को फटाफट 500 cross कर सकते हैं. तो मैं repeat फिर से कर दूँ आपके लिए. IGOT, it's basically a platform, it's an online platform that is launched for online training of different people. Number one, this platform has been launched on the Diksha platform, which is a portal where teachers can train people. Number one. Number two, the tagline of this particular platform guys is National Digital Infrastructure for our teacher. Ye iska dosto yahan par tagline hai. Chaliye, clear ho gaya aap sabko? Please comment kar dijiyega. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, yes sir, hame clear ho gaya. अब आते हैं हम आपके सबसे फेवरेट सेक्शन पर, दैट इज़ द स्टैटिक अवेयरनेस. शुरू करें. शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा, दिस स्टैटिक अवेयरनेस गाइस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ स्टैटिक अवेयरनेस ऑफ द प्रीवियस डे. ऑलराइट,
और ये रहा आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन. विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 7th इकोनॉमिक सेंसिस. इनमें से दोस्तों ये मिनिस्ट्री जो है ये आपकी किस मिनिस्ट्री द्वारा इस सेंसिस को लगाया जाता है. एंड द आंसर इज इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन. इसके ज़रिए इसको हम यहाँ पर दोस्तों जो हैं वो सेटअप कर देते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तुला भरम जो आपका यहाँ पर एक आपका एक एक ट्रेडिशन है, ये इनमें से कौन से स्टेट का ट्रेडिशन है. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ तेलंगाना. तेलंगाना का है जहाँ पर वी वे द ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल एक पहाड़ पे एक एक लड़का बैठता है, मान लो भोला बैठ गया, और एक साइड पे वी हैव गोल्ड, मतलब मज़ेदार होता है ये आपका. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वाज द डिजी लॉकर वॉलेट लॉन्च्ड. इनमें से कौन से साल आपका डिजी लॉकर वॉलेट जो है उसको लॉन्च किया गया था. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अब बहुत ही आसान सवाल है. किस साल इसको लॉन्च किया गया था, आसान सवाल है. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ इन 2015 में इसको लॉन्च किया गया था. एब्सोल्यूटली करेक्ट गाइस. इट इज़ नाउ इंडियाज ओनली नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी. भारत की ये एकमात्र आपकी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बनाई गई है. ढोकरा, बस्तर, वुडन क्राफ्ट आर GI टैग्स ऑफ विच स्टेट. इनमें से किस पर्टिकुलर राज्य के GI टैग्स हैं आपके ढोकरा, बस्तर और बस्तर वुडन क्राफ्ट. एंड द आंसर इज इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ छत्तीसगढ़ के आपके ये GI टैग्स हैं. आगे बढ़ते हैं. When is the International Labor Day observed? इनमें से कौन सी तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को मनाते हैं. And the answer is, it is option C, that is the 1st of May. 1 मई को हम इसको मनाते हैं. एक सवाल मेरे आपसे यहाँ एक और बनेगा कि which day is celebrated on 27 September? And the answer will be absolutely, it is the World Tourism Day. Next सवाल पूछूंगा मैं आपसे. Which day do we celebrate on 30th September? Anyone, any idea? Quickly बताइएगा. 30th September को क्या होता है? Anyone? फटाफट. Yes, it is the anyone, 30th September. Anyone, guys? Yes. Yes, it is the International Translation Day. Absolutely correct. And 10th April already पता है आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं. So with this guys, we will come to an end. Thank you so much guys for loving the session. थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं बार बार आपको शेयर का बोलता हूँ, बस मैं तभी बोलता हूँ जब वीडियो में बफरिंग होती है. ऑलराइट, बाकी आपका शो है, आप इसको प्रमोट करो, मैं लगातार लगा रहूँगा, भले बच्चा 100 आए 200 आए. बट इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड गाइज, बस आपसे इतना बताना चाहता हूँ मैं, इट टेक्स 5 hours ऑफ माई लाइफ टू प्रिपेयर दिस शो. And I want this show, ये मेरा सपना है, आपका भी होगा, to make this show the most viewed, the most loved show. उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं kush@gradeup.co. इस ईमेल पर आपकी जो फरमाइश है उसको आप बता सकते हो, उस फरमाइश को मैं ऐड करूँगा. एंड आप मेरे को फॉलो कर सकते हो Gradeup की ऐप पर. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग हियर. मेरा एक बैच ऑलरेडी आ रहा है SBI क्लर्क का, अब उसको चाहो आप उसको भी अवेल कर सकते हो. थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ एंड गो Gradeup. बाय गाइज, थैंक यू सो मच.